अरे कहाँ देखने मिलेगा कहाँ? जी 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 ये तो दुनिया का इकला भाई। आज तो युवा अच्छे का बच्चा भाई जी, अगले साल होगा अच्छी। जी 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 ठीक है भाई, गमंड नहीं कर रहा जी, वो चीज पर कुछ कहा है मन ठुक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, जो कर चंदगी राम पहलवान अगर शीशा के अंदर अपने हरियाणा के अंदर ग्राउंड में जन देने पहले नंबर की छुट्टी। बिल्कुल बिल्कुल भाई, वो नरेंद्र का मौका रिंग में जन देने पहले नंबर की छुट्टी। बिल्कुल बिल्कुल, अपना लक्ष्मी चंद पिंडले तो अगर जी पहले नंबर की जब कर दिया करता। बिल्कुल बिल्कुल, भगत टक्कर मार लेके नान को दिया भाई। जी जी आज भाई लक्ष्मी चंद्र बाजा भगत ला लियो। जी जी भाई पति पहली है, बुराई करने का कोई फायदा नहीं किसी का। बिल्कुल, बुराई करने से किसी का काम रुकता? बिल्कुल बिल्कुल, इसकी को बुराई होगी कुछ होगा तो उसकी होगी। जी जी किसो जो कुछ ना होगा तो उसकी क्या बुराई। सभी पशुपालक भाइयों को मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। जो भी पशुपालक भाई आज हमारी इस वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि इन फ्यूचर हम जो भी न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो हम एक काफ़ी शानदार मुर्रा बुल की लेके आ रहे हैं। सबसे पहले जो भाई वीडियो देख रहे हैं लास्ट तक वीडियो को पूरा दिल थाम के देखें। आज बहुत जो मेहनत से और बहुत मेहनती इंसान के पास एक शानदार बुल की वीडियो लेके आ रहे हैं। तो आज की वीडियो गोल्लू डेयरी फार्म गांव डिडवाड़ी और पानीपत जिले से लेके आ रहे हैं। तो आप कैमरे के सामने देख पा रहे हो, आने वाले टाइम में तो शायद कैमरे की ज़रूरत ही नहीं, लोग अपने हिसाब से देखेंगे। तो आगे मैं आपको सेक्टरी साहब से मिलवाता हूँ, नरेंद्र सेक्टरी गांव डिडवाड़ी से, जो मुर्रा के ऊपर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम से कर रहे हैं और इन्हें इस चीज़ के लिए, इस मेहनत के लिए राष्ट्रपति द्वारा पद्म श्री अवार्ड दिया गया है। तो उस अवार्ड के हकदार हम सेक्टरी साहब से ज़्यादा, ये एक ऐसे नगीने तैयार करते, इनके लिए अवार्ड दिया गया नहीं। ऐसे तो बहुत घरों में मंजीत यादव और नरेंद्र मिल जाएंगे, लेकिन जब तैयारी की बात आती है तो इतनी मेहनत से इतने उत्तम दर्जे के जो पशु तैयार करके हरियाणा का जो विकास है किसानों का उसमें सहयोग कर रहे हैं, ऐसे बुल तैयार कर रहे हैं। तो आगे मैं आपको मिलवाता हूं और जानते हैं इस बुल के बारे में कंप्लीट डिटेल से, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार जी सेक्रेटरी साहब। नमस्कार जी भाई साहब, सबसे पहले भारतवर्ष के सभी पशुपालकों को नमस्कार करता हूं। जी जी, और भाई मंजीत यादव आपका तय दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो कि सवेरे सवेरे आकर दूर आकर गोलू डेयरी पर जी पर पहुँचे और इसकी वीडियो तैयार करने का अपने कार्य शुरू कर। यार भाई मेरी मेरी वीडियो आप तो पूरे भारतवर्ष के पशुपालकों के पशुओं की वीडियो बना रहे थे। बाकी आप भी बहुत मेहनत करके नस्ल पर सुधार कर रहे हैं, सुधार तो बिल्कुल ठीक है, आप निजोटा नहीं ले रहे होगे, जो झोटे से सुधार नहीं होता है। जी जी जी, सोशल मीडिया के उस पर भी बिल्कुल हाँ जागरूकता आती है जी, आजकल बहुत लोग सोशल मीडिया को देखते हैं, अच्छे अच्छे पशुओं की वीडियो देख के जागरूक हो रहे हैं। और भाई अब आ जाओ गोलू टू। जी जी, गोलू टू बच्चा तो गोलू था। जी जी, और बच्चा आ जाएगा गोलू का बच्चा। जी जी, और भाई गोलू का बच्चा झोटा नहीं। जी जी, ये हाथी का बच्चा। जी 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 जी, आज तो भाई सारे बीच में एक हाथी का बच्चा है। जी जी, और भाई इसका प्रयोग कर ले पशुपालक भाई, आज तो गोलू डेयरी फार्म में एक हाथी का बच्चा है। और भाई मैं तो ये जानू पूरे घर घर हाथी के बच्चे सब को जाए। हाँ, हर घर में मन्ने इसका संतुष्टि है। जी 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 जी, प्रयोग कर लियो भाई झोटे का। जी जी जी, क्योंकि मिल्क लाइन का भी अच्छा है जी, साइज भी पूरा है। जी जी जी, ब्यूटी का भी है जी भाई, कुछ का देर तने गुस्से मिल रही है भाई, गुस्सा कौन भाई, जोश होता है जोश होता है, झोटे पे विश्वास है। जी जी, मैं फेर अंगड़ी घुमा के चैलेंज करूँ मैं तो इस देश के अंदर। जी जी, कमेंट नहीं कर रहा। जी जी जी, कौन सोचता भाई कमेंट कर रहा, कमेंट नहीं कर रहा भाई, भगवान ने भाइया के सहयोग से चीज ऐसी तैयार हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत करना तो हमारा काम था और भाइया का सहयोग जी भगवान का आशीर्वाद। जी जी, तैयार होया है, मैं तो नूकू भाई सब भाई ध्यान दे सुन लो। जी जी, मैं तो भगवान से प्रार्थना करूं जी, ठीक है बच्चा आज तो गोलू के डेयरी फार्म पे है। जी जी, और भाई मैं तो नूकू तीन साल में मैं तो सबके घर घर में हाथी का बच्चा, हर किसान के घर में ऐसे मुर्रा के हाथी के बच्चे दिखाई दे भाई तैयार करके। जी जी जी, ऐसे ना रहो। जी जी, मुझे खुशी होगी। जी जी जी, मैंने गोलू का बच्चा तैयार किया था, उससे कर्मवीर सुनहरी आगे सबसे छोटा पहले पैदा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, युवराज उस दिन तो आ रहा तो नहीं था, चलो लाग लपेट करके वो छोटा गोलू और वाद दिया उसके बच्चे में। जी जी, उस दिन मैंने ऐसी खुशी हुई थी। जी मैंने जी, भरे सब उस दिन नूका दिया था, मन ने खुशी हुई, गोलू वैसे कह रहे हो। बिल्कुल, गोलू आ रहा था, गोलू का बेटा जीता है। बिल्कुल बिल्कुल, मन ने खुशी है। तो भाई मन
शांति जब होगी जी, खुसरा हाथी तैयार करके भाई को द्वेष भावना नहीं है कि नरेंद्र का झोटा काट दिया ना जी, जी करो भाई। अरे चीज कंपटीशन होता है, आर्मी चलती है जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन भाई 9 साल भटका पूरे जी जी, पूरे जंगल में भटका जी, ठीक है जी। काफी लिया, काफी अपने झोटे गोलुए खरीदे, काफी तैयार भी करके जी जी। लेकिन हथिया बच्चा तैयार नहीं था जी जी जी। ये भाई हथे का बच्चा तैयार हो गया जी। मैं सभी पशुपालक भाइयों जागो और जगाओ जी जी, कुछ सीखो और सिखाओ। बिल्कुल, कौन सिखा, 20-30 भाई तो सिखाने लगे तैयार हो। मैं हर घर में बच्चे की चर्चा होनी चाहिए। आम आदमी सहयोग देगा तभी कोई चीज है वो आगे बढ़ सकती है, और आम आदमी की काफी वैल्यू है। फिर मंजीत यादव नु को जी प्राइवेट कंपटीशन देखो, मैं लड़ता नहीं जी जी, ठीक है जी जी। बन्ना मन चंदा देकर फर्स्ट कटानी जरूरत, बन्ना मन शिमन बेचनी जरूरत, चंदा लाल फूल बंद। काले महाराज जमाना के था जी जी, देकर लाल फूल बंद वालिया। हमारे पशुपालक भाई बेवकूफ थे जी जी, लाल फूल जिसके बंद घर शिमन के ढूंढे उठा दिए जी जी जी, ठीक है नो जी, ज्यादा कोई फायदा नहीं जी जी जी। देखो भाई बिल्कुल, महागारी कोड है 24,936 है भाई। मैं मंजीत यादव तेरे ते भाई रिक्वेस्ट करता हूँ, शरीर इसका एक एक अंग दिखना चाहिए ताकि शरीर पे कोई चीटिंग ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, और सभी पशुपालक भाइयों का पूरा पेटा भरो इस बुल से जी, सारी चीज दिखाओ। तो शुरुआत करते हैं बुल के हेड से और टेल तक, बड़ी बारीकी से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। एक बार जिस फेस को थोड़ा नीचे की साइड करना, सामने से आप देख पा रहे हैं दोनों सींग बिल्कुल इक्वल, किसी तरह का कोई टेढ़ापन वगैरह नहीं। उभरे हुए हेड का छोटे और उभरा हुआ हेड जो एक अच्छे और बुरा जो मुर्रा नस्ल के बुल में आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात करें गर्दन की लंबाई, बिल्कुल पतली और लंबी गर्दन, साथ ही में नीचे पैर के बीच में मैं हर बार बताता हूँ जो दुधारू जो मिल्क लाइन से पशु होगा उसके अंदर जो ये नीचे से आप देख पा रहे हैं जो हिक बोलते हैं, चद्दर बोलते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं, शरीर से सटी हुई, काफ़ी चौड़ी चेस्ट का, ये देखिए आगे से चेस्ट भी दिखाना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से वीडियोज आती रहती, इतने करोड़ का बुल, इतने करोड़ का बुल, आप देख सकते हैं लंबाई ऊँचाई इतनी हाइट आपको बुल में देखने को नहीं मिलेगी कहीं। कहाँ देखने मिलेगा कहाँ जी 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 जी, ये तो दुनिया का इकला भाई जी, बिल्कुल बिल्कुल भाई। कोई पशुपालक भाई सोचे मासर झोटा था भी हाथी जी जी, यानी झोटा हाथी जितना है हाथी मनु निकंदा का हाथी तो क्रॉस करा रखी है। बिल्कुल बिल्कुल, झोटे तो रखी है लेकिन भगवान हाथी का मुकाबला करवा दिया जी 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 जी। और भाई ये भी तू देख ले बिल्कुल जी, पा जा इनका कहने का अर्थ है कि आगे से आप गर्दन पे बिल्कुल व्यू आकार का, लेकिन जब पीछे आते हैं तो जहां साइड से आप देख रहे हैं कोई एक्स्ट्रा फैट नहीं, बिल्कुल फिटनेस वाला बुल है, किसी तरह का कोई। मैं पशुपालक भाई से एक और भाई टेस्टिकल देख लो, टेस्टिकल जो इंच का भी किसी प्रकार का कोई फर्क हो, कोई छोटा हो, बड़े बड़े आर्डर की जो भैंसें होती हैं उस टाइप का तो टेस्टिकल बुल का भी है। फिर आज पूछो भैया, 1 इंच सफेद है, 1 इंच इसकी टेल नीचे से व्हाइट है क्योंकि भाई भाई नरेंद्र पैलेस कर रहा हूँ जी 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 जी, कुछ नहीं भाई देख ले, बिल्कुल साफ सुथरी जो चीजें हैं वही बता रही हैं भाई, इस पर कोई चीटिंग नहीं है जी जी जी। तो भाई सारी देख लो, इसका सारे का सारा शरीर देख लो, कोई भी एक्स्ट्रा फैट नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। पैर देख लो मेरे भाई, बिल्कुल का गैप है बिल्कुल, तो देख भाई जी जी जी। तो इनका कहने का अर्थ ये है कि एक बुल सबसे मेन समस्या बुल में देखी जाए तो आप देख सकते हैं जो आगे के पैर हैं उनमें स्पेस कम होता है, और जब चलता है तो आपस में जो पैर हैं वो दोनों एक दूसरे से नीचे से टच होते हैं, लेकिन 1 फीट से भी कुछ न कुछ ज़्यादा गैप होगा। और मैं फिर से कहूँगा एक और नगीना ऐसा जिसका कोई जोड़ नहीं आज के दिन, क्योंकि वीडियो बुल की बहुत कम कवर करते हैं बुल, क्योंकि वीडियो देखने वाले भाई हैं वो ज़्यादातर अच्छी अच्छी भैंसे खरीदने के शौकीन होते हैं, लेकिन अगर हमें आने वाले टाइम में उमदा नस्ल की झोटियाँ देखनी हैं तो वो इस बुल के जो हम कहेंगे कि देन आने वाले टाइम में हो सकती है, ये सीमन भी प्रोवाइड करवा रहे हैं और काफ़ी शानदार क्वालिटी का बुल हम कहेंगे इसको। इसके बारे में चाहे 1 घंटा बोलते रहो, बोलते ही रहो, कोई कमी नहीं आज के दिन देखने में। जीत यादव को तू इतना घमंड क्यों कर रहा है बुल पर? जी जी भाई घमंड नहीं कर रहा जी, चीज पर कुछ कहा है मना ठुक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, जो चंदगी राम पहलवान हुआ करता शीशा के अंदर अपने हरियाणा के अंदर ग्राउंड में जन देने पहले नंबर की छुट्टी। बिल्कुल बिल्कुल भाई, वो नरेंद्र का मौका रिंग में जन देने पहले नंबर की छुट्टी। बिल्कुल बिल्कुल,
अपना लक्ष्मीचंद पिंड से दौड़ा करता जी, पहले लंबर की जब कर दिया करता, बिल्कुल बिल्कुल भगत टक्कर मार ले नान को दिया भाई जी जी। आज भाई लक्ष्मी चंद्र बाजा भगत ला लियो जी जी भाई, पति पहली है टक्कर में कोई नहीं है, कोई नहीं भाई, मैं विश्वास दू मैं निकंदा, मेरे भाई जो पब्लिक देखेगी वो आपको निकाल देगी। बहुत तजर्बा है आपका, बहुत लंबे टाइम से आप काम कर रहे हो। अगर मान लिया किसी पुल की ऊंचाई पा जाएगी ना, हाँ। स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं मिलेगी। हाँ 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 हाँ, ठीक है ना जी जी जी, इतनी चौड़ाई नहीं मिलेगी, पैर नहीं मिले मेरे भाई, टेस्टिंग कहीं कहीं कमी आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैं फिर पशुपालक भाई ने पिछली वीडियो में कहा था, बुराई करने का कोई फायदा नहीं किसी का, बिल्कुल बुराई करने से किसी का काम रुकता, बिल्कुल बिल्कुल, इसकी को बुराई होगी कुछ होगा तो उसकी होगी जी जी, ये सोचो कुछ ना होगा तो उसकी क्या बुराई, छोटी सोच है जी लोगों की। अगर भाई बुराई करने में तो 24 साल ली हुंदी आई जी जी, इस बात की के मन बुराई का वो मन तकलीफ मान, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों हम तो गस लिए पट लिए, हाँ हम तो लोग आगे नए हमारे बालक है ना, वो आगे आ जाओ जी, और भाई इसका सिमल का प्रयोग कर कर हथे के बच्चे तैयार कर ले, मैं तो नू चाहो हमारे जो नौजवान तबका उनके घर घर सब कहीं अच्छे। मदर का क्या मिल्क रिकॉर्ड है? 24936 और फादर गुल्लू, फादर पीसी 483 गोलू का पोता, गोलू का पोता पीसी 483 जी 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 जी, तो उसका ही बेटा है जी जी जी, भाई वो बात है जिस दिन मिला होगा, हाँ हाँ, सरकार का उस दिन अंगली जरूर ऊपर करके जाए करना तो भगवान, बिल्कुल वो तो देखिए किस्मत की बात है, टाइम क्या पता क्या करवा दे, लेकिन बोला भी उसी चीज़ पे जाता है, वो टोटे में आदमी थोड़े ना बोलता है, कुछ नफा होगा, कुछ दिख रहा है इनको, कुछ चीज़ दिख रहे तभी बोल रहे हैं। इसका सीमेंट का 500 रुपया रेट रखा था मैंने जी जी, हमारे पशुपालक भाई बोले भाई 100 रुपये का रख दो, सबके घर घर हाथी का बच्चा था जी जी जी, सौ कर लो मैंने तो कोई दिक्कत, अब मेरे पशुपालक भाई की सेवा करनी करके रोजगार के लिए भगवान नौकरी दे रखी है, उनका घर का रोजगार गुजारा हो जाए भाई, इन तक पशुपालक भाई और सुधार हो जाए। 500 रुपए से 100 रुपए सीमन का रेट कर दिया है, किसी तरह का लोभ और लालच इनके मन में दिखाई नहीं दे रहा, हर चीज से संपूर्ण है और किसानों के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं, और एक और अच्छा और शानदार ये बुल लेके आए, हम कहेंगे कि इनके अकेले मेहनत से भी कुछ नहीं होगा, अगर हमारे किसान सहयोग नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो कोई भी पहलवान है वो मेहनत करता है, लेकिन क्यों करता है कि अखाड़े में जब जाएगा उस टाइम पे जो देखने वाले हैं दर्शक वहाँ पे वो काफ़ी खुश होते हैं, और एक उत्साह होता है कि भाई वहाँ से ये पहलवान आया था और पहली छुट्टी बोल के गया। उसी तरह इस बुल पे भी जी तोड़ मेहनत कर रखी है इन्होंने, आपका सहयोग साथ बहुत मायने रखता है। और भाई मंजीत यादव भाई सभी पशुपालक ध्यान से सुने जी, आज तो वो हाथी का बच्चा भाई जी, अगले साल होगा हाथी जी जी जी, ठीक है जी, मनु को पहले सब भाई हाथी का बच्चा तैयार कर कर हाथी बना लो जी, जब मेरा नाम है इस भारतवर्ष के पशुपालकों का नाम है, बिल्कुल तो बिल्कुल ये होगा बहुत अच्छा, नस्ल सुधार पर ध्यान दे लो, और मैं सभी भाई पशुपालक भारतवर्ष के सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ, घर घर जाकर अपना सब हाथी का बच्चा तैयार कर जी जी, धन्यवाद जी। इनका कहना है कि सभी जागरूक हों, सभी साथ दें, अच्छे अच्छे काप तैयार करें, ताकि आने वाले टाइम में जो छोटे छोटे किसान हैं, आज खेती से काम चल रहा है लेकिन वो बातें नहीं, पशुपालन का काफ़ी रुझान है और एक इनकम सोर्स का काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैं हर बार कहता हूँ सरकारी जॉब का तो कोई मुकाबला नहीं, लेकिन अगर तैयार करते हैं कोई ब्रीडिंग करना चाहते हैं तो इस तरह के बुल हैं, उनके बच्चे तैयार करें, आप देख सकते हैं एक हाथी के जितनी लंबाई ऊंचाई इसके अंदर है, 6 दांत में है, जब दांत भर के पूरी तरह से जब इसकी एज होगी मैच्योर होगा उस टाइम पे बुल के मुकाबला आज भी नहीं है, मुकाबला कल भी नहीं हो पाएगा, और कोई छुपी हुई चीज़ होगी तो वो चीज़ें मेले में जब जाएगा बुल देखने को आपको मिलेंगी। एक बार उस साइड ले चलो जी, ले चलो, तो काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इन्होंने बुल दिखाया, तैयार किया, हम सेक्रेटरी साहब का भी दिल से धन्यवाद करते हैं जो किसानों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, और इसी जो मकसद से आज हम इनके पास पहुंचे कि हर हमारे किसान और व्यूअर तक ये बुल है इसकी वीडियो पहुंचे, ताकि अच्छे सीमन के प्रति जागरूक हो, तो जहां भी ये बुल जाएगा जिस भी इलाके में लेके जाएंगे, इनका कहना था कि हम इसको इधर उधर जो आसपास के इलाके में जो पर्सनल आदमी है उनके पास ले जाएंगे और इस बुल को जनता के बीच में दिखाएंगे। मैं एक बात फिर कहनी भूल गया था भाई मंजीत यादव जी, जी जी पिछली वीडियो में कहा था मंत्री आई थी इसके विजिट होनी शुरू होगी जी जी जी, कुछ तो मेरे पास समय की बहुत कमी है क्योंकि सरकारी जो भी करनी पड़ रही, घर भी संभालना पड़ रहा, अकेला बंदा और भाई पशुओं का भी जाना जी जी, इसके मंत्री आई थी भाई इसकी विजिट शुरू होनी है जी जी, ठीक है 3 दिन में
ये जाएगा मेरे ख्याल में सबसे पहले हम राजस्थान का दौरा, क्योंकि कई पशुपालक भाइयों को जी भाई नहीं आ पहुँचा जी जी, तो इसको पहुँचाएंगे ताकि हाथी का बच्चा देख कर जी जी आगे की पीढ़ी में हाथी का बच्चा लोग तैयार करें। बिल्कुल, एक किस्म से पब्लिक के बीच में दौरे का मतलब ये है कि पब्लिक खुद सिलेक्शन करेगी कि क्या चीज़ है और कैसे हम नस्ल सुधार कर सकते हैं, कैसे बुल तैयार होते हैं। तो जहाँ भी जाएगा, हम जहाँ तक हमें पता चलेगा सेक्रेटरी साहब से, हम अपने चैनल पे जिस भी इलाके में बुल जाएगा पोस्ट जो है वो डाल देंगे, ताकि हमारे जो किसान हैं वो सीमन के बारे में जानकारी ले सके, बुल को अपने आँखों से देख सकें। तो सभी भाइयों, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, ताकि हर उस किसान या पशुपालक तक हमारी वीडियो पहुँचे जो अच्छा और उमदा पशु तैयार करना चाहता है या उसने अपने घर पर रखा है, ताकि सीमन कलेक्ट करवा के और आने वाले टाइम में उसके घर भी एक इतना ऊंचा तगड़ा, आज हम बुल दिखा रहे हैं और हम चाहेंगे कि इसकी जो प्रोजनी आएगी उससे इतनी ऊंची तगड़ी जोटियां आएंगी, ताकि किसान आगे बढ़ेगा। तो सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम फिर से सेक्रेटरी साहब का धन्यवाद करते हैं जो इतनी मेहनत से बुल तैयार किया। सभी भाइयों को वीडियो की लास्ट में मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम।